हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स में हम कुछ जानकारी को देखते हैं और ये जो जानकारियां हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो चलिए हम लोग एक एक करके इन जानकारियों को देखते हैं। तो सबसे पहले है आर हरि कुमार भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बनाए गए, केंद्र सरकार ने इनकी नियुक्ति की। तो दोस्तों, भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में आर हरि कुमार की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। आर हरि कुमार वर्तमान नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह का स्थान लेंगे जो 30 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे। तो दोस्तों, ये जो हैं आर हरि कुमार, वो अभी वर्तमान के जो नौसेना प्रमुख है एडमिरल करमवीर सिंह, इन्हीं का स्थान लेंगे और करमवीर सिंह 30 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे। आर हरि कुमार अभी वर्तमान में पश्चिमी कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हैं। तो ये आर हरि कुमार अभी वर्तमान में अगर देखते हैं तो पश्चिमी कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हैं। तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी को भी देख लेते हैं। तो इनका जन्म त्रिवेंद्रम केरल में हुआ है और ये भारतीय नौसेना में इनका रैंक वाइस एडमिरल का है। तो ये भी आपको याद रखना है कि इनका भी जो रैंक है वह है वाइस एडमिरल का है इंडियन नेवी में, और इनका जन्म त्रिवेंद्रम केरल में हुआ है। तो अभी आपको ये नाम याद रखना है आर हरि कुमार, जो कि भारतीय नौसेना के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। अगला है भारतीय नौसेना में चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी आईएनएस वेला शामिल हुई है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि आईएनएस वेला, जो कि चौथे नंबर की स्कॉर्पियन पनडुब्बी है, उनको भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। प्रोजेक्ट 75 के तहत आईएनएस वेला को भारतीय नौसेना को सौंपा गया। तो ये जो है प्रोजेक्ट 75 के तहत आईएनएस वेला का निर्माण हुआ है और इसे भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। इस आईएनएस वेला का निर्माण फ्रांस की सहायता से मुंबई के मजगांव डॉकयार्ड में किया गया है। तो इनका निर्माण जो इसका जो निर्माण हुआ है वह फ्रांस की सहायता से किया गया है और मुंबई के मजगांव डॉकयार्ड में किया गया है। दोस्तों, प्रोजेक्ट 75 के तहत में 6 टोटल पनडुब्बी बनाए जाने हैं। तो 6 में से ये चौथे नंबर की है और पहले जो हैं 3 वह हैं खंडेरी, कलवरी और आईएनएस करंज। तो ये 3 है पहले और अभी चौथे नंबर की हो गई है आईएनएस वेला। तो ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों, इस पनडुब्बी यानी कि आईएनएस वेला की जो है खास बात क्या है, तो इस पनडुब्बी की सहायता से ज़मीन पर भी आसानी से हमला किया जा सकता है। साथ ही साथ यह राडार की पकड़ से भी दूर है और इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे खास चीज़ यह है कि यह जो पनडुब्बी है आईएनएस वेला, वह दुश्मन को ढूंढकर उस पर सटीक वार कर सकती है। तो यह दुश्मन को ढूंढ करके उस पर सटीक वार कर सकती है, तो यह इसकी सबसे बड़ी खास बात है। तो आईएनएस वेला जो है स्कॉर्पिन पनडुब्बी है और यह चौथे नंबर की है जो कि भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। अगला करंट अफेयर्स है कि भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर मित्राब गुहा बने। तो 72 नंबर के ग्रैंड मास्टर भारत के बने मित्राब गुहा। इन्होंने सर्बिया में आयोजित शतरंज टूर्नामेंट के दौरान यह सफलता हासिल की। तो सर्बिया में शतरंज टूर्नामेंट शामिल हुए थे ये, और यहीं पर इन्होंने यह सफलता हासिल की। इन्होंने सर्बिया के ग्रैंड मास्टर निकोला संडलॉक को हराकर यह हासिल की सफलता। तो सर्बिया के ग्रैंड मास्टर है जिनका नाम है निकोला सेडलॉक, उनको यह हरा करके यह 72वें नंबर के ग्रैंड मास्टर भारत के बने। दोस्तों, ये कोलकाता पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और जिनकी उम्र मात्र 20 साल है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये कोलकाता पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और इनकी उम्र है मात्र 20 साल की, यानी कि 20 ईयर्स। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं तो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद हैं। ये भी आपको याद रखना है कि भारत के जो हैं पहले नंबर के ग्रैंड मास्टर वह विश्वनाथन आनंद हैं, और अभी वर्तमान में देखते हैं तो भारत के 72वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने मित्राब गुहा। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो नाम है वो नाम आपको याद रखना, करंट अफेयर से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको इतनी सारी जानकारी को याद रखना है। थैंक यू दोस्तों।